श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़ाइबार वीडियो उत्तोलन हेबा प्रसंग घटना को नहीं क्षमा मागिले यूट्यूबर अनिमेश यूनिफाइड नामक एक यूट्यूब चैनल अनिमेश श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़ाई तमाम दृश्य को निज चैनल रे अपलोड करने सहित प्रतिटी आंगल पिछा 20,000 टंका दाबी करथिले एवं यह सहित ओडिशा पुलिस को मध्य ड्रोन उड़ाइबारे सहयोग करितबारु धन्यवाद देथिले। नो फ्लाइंग जोन रे ड्रोन उड़ाइबारु गतकाली पुरी रे अनेक प्रतिक्रिया प्रकाश पाइथिला। घटना को नहीं श्रीमंदिर सुरक्षा प्रशासक मध्य तदंत कराजिबो बोली गणमाध्यम रे कहिथिले। तबे आज यूट्यूबर अनिमेष सेभली ड्रोन उड़ाइबा घटना रे महाप्रभु और 4.5 कोटी ओडिया को क्षमा मागिछंती। तबे किछि दिन पूर्वरु आकाश चौधरी नामक जने व्यक्ति श्रीमंदिर गर्भगृह रो विजुअल और फोटो सामाजिक गणमाध्यम रे अपलोड करी परवर्ती पर्यायरे गिरफ होइथिले। तबे अनिमेष तमाम सुरक्षा व्यवस्था को भंग कर श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़ाई सुरक्षा व्यवस्था को सीधासख चैलेंज करते तेज एभली संवेदनशील घटना पर केवल क्षमा प्रार्थना कले हेबना बर दृढ़ दृढ़ कार्यानुषान निगले एभली घटनार पुनरावृत्ति हेबना बोली साधारण मत प्रकाश पाई। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर मतलब सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मतलब पुलिस प्रशासन जो है वहाँ का उड़ीसा पुलिस, तो मैंने उनका नाम इसीलिए लिया क्योंकि वहाँ पे मेरा इतना इंक्वायरी आ रहा था, मतलब छोटा मोटा ब्लॉगर भी मुझसे बात कर रहा था कि वहाँ पे जाके ड्रोन उड़ाएंगे, तो इस हिसाब से अगर कोई भी रैंडमली वहाँ पर ड्रोन ना उड़ाए इस हिसाब से मैंने मतलब पुलिस का नाम लिया था। कोई भी पुलिस का आदमी मुझे परमिशन नहीं दिया था, नहीं बोला था कि यहाँ से उड़ाए या वहाँ से उड़ाए, इसलिए मेरे वजह से अगर किसी को भी ठेस पहुँचता है मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगता हूँ और जगन्नाथ महाप्रभु को भी मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे माफ़ कर दे या और उड़ीसा का जितना भी मतलब सिटीज़न है सबसे मैं हाथ जोड़ करके 4 करोड़ जो लोग हैं उड़ीसा का उन लोगों को भी मैं माफ़ी मांगता हूँ उन लोगों से। मेरा है नहीं, मैं उतना सोच के भी नहीं उड़ाया था क्योंकि मेरा ड्रोन रजिस्टर्ड ड्रोन है, उस टाइम पे मुझे नो फ्लाई जोन वहाँ पे दिखा भी नहीं रहा था, बस मेरा ट्रेन शाम को था तो वहाँ पर इतना बारिश हो रहा था, मैं सोच रहा था फिर ड्रोन फ्लाई करके मैं फुटेज रख दूंगा, जाकर मैं फिर जब वीडियो बनाऊंगा उड़ीसा के ऊपर तो तब मैं वहां पे सबसे मिलकर भी मैं बोलूंगा कि ये वीडियो मैं लिया है और उसके बाद ये अपलोड करूंगा। पर 2-3 महीने हो गए और मैं कई सारा वीडियो बहुत सारा ब्लॉगर के चैनल पर भी देख चुका हूँ, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये शायद होता है, मुझे मालूम नहीं है और ऊपर से वो नो फ्लाई जोन मेरे ड्रोन में कोई शो ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे, तो मेरा इंटेंशन गलत नहीं है जो जो बताया गया है, लास्ट में वो पुलिस का क्रेडिट इसीलिए दिया है ताकि कोई भी रैंडम ब्लॉगर या फिर कोई भी रैंडम आदमी वहाँ पे जाके मतलब ड्रोन फ्लाई ना कर पाए। मैं तो उड़ा के गलती किया हूँ, मैं मानता हूँ।